हेलो 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 बच्चों, हाय 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 हाय। हेलो, एम आई ऑडिबल? कहाँ हो तुम? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? हेलो किड्स, क्या हाल है भाई? चलिए आ जाइए सब लोग, चलिए शुरू कर रहे हैं आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ चीजें आज आपको मैं बताऊंगी, डीएनए रेप्लिकेशन को आज हो पाएगा तो हम लोग एक ही लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज विल टेक टू लेक्चर्स। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोसेस आपको अच्छे से रटा जाए, बिल्कुल बिल्कुल रट के घोट लीजिए आप। यस, चलो 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 चलो, फटाफट से आ जाओ। यस बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आइए तो डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट जो है तो खज्जल दिमाग खाऊ पकाऊ टॉपिक ऑफ द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट डोंट फियर इफ योर माता जी इज हियर, सो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए आज मैं शुरू करने से पहले कुछ आपको चीजें बता दूं। यस यस ओके बच्चों, यस हाय हाय हाय। ओके, शुरू कर रही हूँ मैं बिना किसी देरी के। मुझे कुछ एनसीईआरटी की लाइन आपको एक्सप्लेन करनी थी तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आ जाओ बेटा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है? ये 2 पॉइंट मैम एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करने वाली है, सब लोग देखेंगे। देखो, आपके न्यूक्लियस में, ध्यान से समझना, आपके न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, यस ठीक है, आपके न्यूक्लियस के अलग अलग एरिया में कहीं पर क्रोमैटिन बहुत डेंसली पैक्ड होता है और कहीं कहीं पर क्रोमैटिन जो होता है वो बहुत लूजली पैक्ड होता है, ठीक है? इन द न्यूक्लियस, ध्यान से समझना, इन न्यूक्लियस वेयर द क्रोमैटिन इज, समझो, जहां पर क्रोमैटिन कैसा होता है बच्चों, लूजली पैक्ड, लूजली लूजली देख तो देखो तेरे बच्चों, लूजली पैक्ड, जहां पर लूजली पैक्ड होता है और कहीं कहीं, यस अभी मैं नाम लिख रही हूं उसका, इन न्यूक्लियस जहां पर क्रोमैटिन क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, ध्यान समझना। कहीं कहीं पर जो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इज व्हाट, व्हाट इज अ क्रोमैटिन बेटा? डीएनए वाइंड अप बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, याद है आपको बीज ऑन स्ट्रिंग, याद है कि नहीं याद है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है? चलो, तो न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन होता है वो बेटा जी टाइटली पैक्ड, न्यूक्लियस में अगर टाइटली पैक्ड है तो किसी किसी एरिया में आपको डीएनए जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या है बेटा? कुछ नहीं, स्टोन प्रोटीन विद डीएनए, ठीक है? तो अगर वो टाइटली पैक्ड दिख रहा है तो इसे हम कहते हैं हेटरोक्रोमेटिन, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? हेटरोक्रोमेटिन। अगर आपका डीएनए बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड दिख रहा है, इसे हम कहते हैं हेटरोक्रोमेटिन। और यहां से आप डीएनए को रेप्लीकेट, अब अगर आप सोचें कि यहां से अलग करके हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कर दें और आरएनए बना दें, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली, ठीक है? इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है? इसे ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब यहां से कभी भी डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, ठीक है? जहां पे लूजली पैक्ड होता है इस एरिया को हम कहते हैं यू क्रोमैटिन, ठीक है? ये मैं कहीं अलग से नहीं बता रही हूं, आपके न्यूक्लियस में कहीं कहीं पर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इज व्हाट बेटा? हिस्टोन विद डीएनए। कल हम लोगों ने, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था। यस, डीएनए पैकेजिंग में कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? कल का लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप, जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, प्लीज प्लीज वॉच कल का लेक्चर, अदरवाइज आपको नहीं बनेगा, ठीक है? चलो चलो, समझ में आई बात? तो यू क्रोमैटिन कहते हैं, तो जिस जगह पे न्यूक्लियस के क्रोमैटिन ढीला ढाला है, लूजली है, लल्लू है, उसे हम कहते हैं यू क्रोमैटिन, एंड इट इज अ वेरी गुड क्रोमैटिन, और यही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है बच्चों। ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है? एक्टिव होता है। तुम बताओ मुझे यार, कोई आदमी बहुत रिजिड है, जिसका बिहेवियर बहुत ही दुष्टापन वाला है, उसको तुम चेंज कर सकते हो किसी में? नहीं। बट जो बहुत ज्यादा, मतलब ये है कि, मतलब बेचारा वो है, मतलब वो कहते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली मेरे मुंह में टर्म नहीं आ रहा है कि फ्रेजाइल, फ्लेक्सिबल सॉरी, जो आदमी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है उसको हम किसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हैं। तो जहां पर आपका क्रोमैटिन न्यूक्लियस के जिस एरिया में ढीला ढाला होगा उसको यू क्रोमैटिन कहते हैं, और यहां से ट्रांसक्रिप्शन होता है
हेट्रोक्रोमैटिन पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है बच्चों, चलो चलो वेरी गुड। आओ अब आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बड़ी पसंद है यार, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, डीएनए डीएनए बाप है चीजों का या आरएनए है? चलो चलो चलो, डीएनए है बाप चीजों का या आरएनए? बहुत समय तक तो लोग ऐसा सोचते रहे कि डीएनए जो है, ध्यान समझना, मैं आज चाह रही हूं कि ये सब दुनियादारी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कर ले, कल पूरा सीधा मॉडल पढ़े और डीएनए रेप्लिकेशन को ओवर करे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कमान। तो कल जब मैं शुरू करूंगी बेटा तो मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगी, मिसलसेन एंड स्टाल के क्वेश्चन से, और अगर बना नहीं ना तुम्हें फिर तुम्हारी बुद्धि सही करूंगी मैं एकदम बिल्कुल, है ना। तो मिसलसेन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है मैम, पढ़ना है मैम, पढ़ना है मैम, इतना चिल्लाए और आधे लोगों का पता नहीं रहता है, ठीक है। चलो तो इधर मैं लिख रही हूँ डीएनए और इधर लिख रही हूँ मैं आरएनए, तो डीएनए वर्सेस आरएनए, टिंग 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 टिंग, घंटी बजा दी मैंने, कहानी शुरू कर रही हूँ मैं, डीएनए वर्सेस आरएनए के बारे में पढ़ाने वाली हूँ मैं। चलिए आपको क्या लगता है कि अगर मैंने ये बोला, हमने किसको जेनेटिक मटेरियल माना है, ठीक है, हमने किसको जेनेटिक मटेरियल माना है, हमने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना है या डीएनए को? मैम हमने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना है। क्यों माना है, इसका कोई रीजन होगा, ऐसे थोड़ी कोई किसी का हो जाता है भैया। तो आपने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों माना, देयर आर सम रीजन, इसके कुछ कारण रहे होंगे तभी आपने माना है, बताइए जल्दी से। बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले डीएनए जो होता है, देखो डीएनए का अगर आप स्ट्रैंड देखो तो डीएनए के डबल स्ट्रैंड एक दूसरे से नाइट्रोजिनस बेसिस से ऐसे जो है तो बंधे हुए रहते हैं। तुम मुझे बताओ, दो लोग जिनका रिलेशनशिप कंपोज्ड है, क्लोज्ड है, उनके अलग होने के चांसेस जो है बहुत कम है। और दूसरी बात, जो आदमी अलग है सिर्फ ऐसा है तो ऑब्वियसली वो किसी और से बॉन्ड बनाने के लिए तो भागेगा ही ना। जो आदमी सिंगल है एंड वही रेडी टू मिंगल होता है ना, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, वो थोड़ी भागेगा यार। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, इनके बेस पेयर कभी भी एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, ये हमेशा डबल स्ट्रैंड में रहते हैं, क्लोज्ड एनवायरमेंट में रहते हैं, इसीलिए रिएक्टिविटी ज्यादा किसी बेस के साथ शेयर नहीं करते बच्चों। समझ में आई बात? बोलो बोलो बोलो, है ना। यस 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 यस, ठीक है ठीक है। चलो चलो बताओ, तो डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं, डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर्स आर नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड नहीं होते। अगर एक्सपोज्ड नहीं होते तो लेस रिएक्टिव होते हैं, सीधी बात। अगर कोई चीज खुली रहेगी तो वही ना बॉन्ड बनाएगी, ये एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है, तो रेडी टू बॉन्ड, ठीक है, रेडी टू बॉन्ड, ठीक है, ये आर स्मॉल होना चाहिए पर ठीक है, रेडी टू बॉन्ड, ओके। तो ये एक्सपोज नहीं होते, नंबर वन रीजन, ये हमेशा डबल बॉन्ड में होते हैं, इसीलिए बॉन्ड जो है ये नहीं बनाते। समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी से, समझे या नहीं समझे, बोलो 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 जल्दी से, ठीक है ना, बोलो जल्दी। यस, ठीक है। और डीएनए अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, इट इज वेरी स्टेबल, ठीक है। तुम एक बात बताओ, जिसको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया यार, ठीक है, जिसको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, ये एक लाइफ पार्टनर है, ये दूसरा लाइफ पार्टनर है, वो हमेशा उसके में स्टेबिलिटी, जो लोग अकेले रहते हैं वही ज्यादा आवारा रहते हैं। तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, फेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग जीवन काल में बुढ़ापे में, जवानी में, सब में ये स्टेबल रहता है। समझ में आई बात? बोलो क्यों नहीं स्टेबल रहता, बताओ जल्दी से, स्टेबल रहता है। दूसरा कैसे स्टेबल रहता है, आपने ये देखा, हम लोगों ने जो है ग्रिफिथ नहीं उसका हर्शे एंड ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी या ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तुम सोचो कि तुमने स्मूथ स्ट्रेन को गर्म भी कर दिया था फिर भी उसका डीएनए खराब नहीं हुआ था, समझे ना। तुमने क्या किया था, स्मूथ स्ट्रेन को तुमने गर्म भी कर दिया था पर उसका डीएनए खराब नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि डीएनए एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इवन जब बेसिकली मैं भी अपने लैब में काम करती हूँ तो मेरा वर्क डीएनए में होता है, तो ऐसा है कि मैं डीएनए को 100 साल तक भी स्टोर करके रख सकती हूँ -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, जबकि ये स्टेबल नहीं होता, ये लेबाइल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, लेबाइल होता है, लेबाइल मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, समझ गए। और यस, ठीक है, चलो 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 आ जाओ।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनके पास जो शुगर है, ठीक है, मुझे आशा की नहीं चढ़ रही है, मैं सिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो अब बुढ़ापे में क्या आशिकी चढ़ेगी, तुम्हारी आशिकी तुम्हारे दिमाग से उतारती हूँ मैं, ठीक है। चलो आओ, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है इसके पास, ठीक है। और इसके पास क्या होती है बच्चों, इसके पास कौन सी शुगर होती है, इसके पास राइबोस शुगर होती है। राइबोस शुगर के पास एक वन ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, बोलो, वन ओ जो है वो एक्स्ट्रा होता है। वन अगर ओ एक्स्ट्रा हो गया तो क्या बन जाता है, OH। और OH जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि एल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। Am I clear to everyone? तो इसके पास डीऑक्सीराइबोज होता है तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो रिएक्टिविटी कम होती है। इसके पास एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो OH ग्रुप बन गया तो रिएक्टिविटी भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। समझ में आई बात? तो कुछ भी करो इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो हमेशा कम होती है, जो डीएनए की रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी वो हमेशा लेस होती है, जबकि आरएनए की रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। आरएनए की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा होशियारी चढ़ रही है ये ना नीट में सवाल आएंगे इससे, ठीक है, फिर मुझे मत बोलना कि मैम ने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। आइए नेक्स्ट इज डीएनए के पास, ठीक है, डीएनए के पास एक बेस पेयर होता है जिसे कहते हैं थाइमिन, ठीक है, थाइमिन। थाइमिन को हम और क्या कहते हैं, यस बच्चों, यस, थाइमिन का दूसरा नाम होता है 5-methyl uracil, ठीक है, 5-methyl uracil, ठीक है, 5-methyl uracil। इसके पास जो बेस पेयर, जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसके, उसे हम कहते हैं यूरासिल। तुमको पता है कि थाइमिन जो है वो यूरासिल से ही बना हुआ है, थाइमिन इज मेड अप ऑफ यूरासिल। यूरासिल तड़पता रहता है कि मैं कब थाइमिन बनूं। ये इतना अनस्टेबल नाइट्रोजनस बेस है कि इसको आग लगती रहती कि कब मैं जो है थाइमिन बनूंगा। तो ये भी बड़ा ही अनस्टेबल नाइट्रोजनस बेस है, बहुत ज्यादा, ये बहुत ही अनस्टेबल नाइट्रोजनस बेस होता है। ये कुछ कारण हो गए हैं बच्चों, वेरी वेरी अनस्टेबल, यस यस यस, ठीक है। चलो बोलो बोलो, समझे, बोलो। अब तुम मुझे बताओ, डीएनए जल्दी डिग्रेड हो सकता है या आरएनए, बोलो, डीएनए जल्दी डिग्रेड हो सकता है या आरएनए, कम ऑन जल्दी बताओ बच्चों, डीएनए जल्दी डिग्रेड हो सकता है या आरएनए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं वेट कर रही हूं। डीएनए जल्दी डिग्रेड हो सकता है या आरएनए, ये डीएनए इजिली नॉट डिग्रेडेबल, ठीक है, इजिली डिग्रेडेबल नहीं है, इजिली डिग्रेडेबल नहीं होता, ठीक है। आरएनए बहुत ज्यादा इजिली डिग्रेड होता है, इजिली डिग्रेडेड, ठीक है, इजिली डिग्रेडेड मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो तो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, पीएच घटा बढ़ा दो तो डिग्रेड हो जाएगा, तो इजिली डिग्रेडेबल, ठीक है। अनस्टेबल चीजें जो होती है ना, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि जीवन में ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी डिग्रेडेशन उतना ज्यादा होगा। तो आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लो, जब आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेते हो तो आपका मन स्टेबल होता है और आपके लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है और डिग्रेडेशन कम होता है। तो मनुष्य के जीवन में एक बात हमेशा होनी चाहिए, दैट इज द, जो भी आपको चाहिए ना पहले आप वो डिसाइड कर लो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए ही नहीं है, फिर भी जो है उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, उनका बॉयफ्रेंड बन जाए, ठीक है, उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है। तो भाई जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, भाई आप आओ, आप ओपन प्लेटफॉर्म है सबके आने की, वो है, कोई समस्या नहीं है। पर अगर आप लिटरली आपका गोल क्लियर है ना बच्चों, तो बी लाइक डीएनए बेटा, बी लाइक डीएनए, कुछ भी हो जाए, ओला गोला पानी बरसात, इवन जब आदमी का दाह संस्कार भी कर दिया जाता है तो उसकी सेल्स अगर बच गई होंगी तो उसमें भी सेल राख हो जाती है, सब रक्ष हो जाता है, पर भी डीएनए उसके राख में भी मिल जाता है, इतनी स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। समझ में आई बात? चलो नाउ आरएनए जो होता है, ध्यान से समझना, आरएनए जो होता है इट एक्ट एज अ एंजाइम बेटा, ठीक है, समझो, इट एक्ट एज अ एंजाइम, समझे कि नहीं समझे। डीएनए, आरएनए जो होता है ये एक्ट एज अ एंजाइम हो सकता है। कौन सा एंजाइम भाई? आप लोग पढ़ोगे राइबोसाइम के बारे में, राइबोसाइम, ठीक है, राइबोसाइम, राइबोन्यूक्लिएज, ये आरएनए से ही बने होते हैं, ठीक है। क्या डीएनए कभी कोई एंजाइम बना सकता है? डीएनए नेवर मेक एंजाइम, डीएनए नेवर, ठीक है, DNA never synthesized enzyme, never synthesized, synthesized enzyme, कभी भी ये enzyme नहीं बना सकता। Am I clear to everyone? बोलिए, ठीक है, चलो चलो, clear है बच्चों, बताओ जल्दी से, yes। उसके बाद RNA जो है ये क्या बना सकता है बच्चों? Protein।
ठीक है, आरएनए क्या बना सकता है, लास्ट में हम इसको पूरा कंक्लूड भी करेंगे, पर क्या डीएनए प्रोटीन बना सकता है? डीएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना सकता, ये डिफरेंस है। तो कुछ अच्छाई भी है बेटा, तो कुछ बुराई भी है कि नहीं है? डीएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना सकता, ठीक है, चलो ठीक है, आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यस बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखाती हूँ, दैट इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। देखो, तुम मैम से पढ़ रहे हो, एक भी रत्ती में छोड़ने नहीं वाली हूं तुम्हें, चाहे मुझे थोड़ा टाइम लगे पढ़ाने में, पर मैं पढ़ाऊंगी सब, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस शुरू कर रहे हैं, देखो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। पता तुम्हें, पहले जब साइंटिस्ट आए ना, तो उनको लगता था कि भैया तुम एक बात बताओ, तुम किसको सुपर हीरो मानते हो? तुम अब ऐसे भी यस आरएनए कैटलिस्ट की तरह होता है, ठीक है, आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। चलो चलो चलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बकवास नहीं, आ जाओ बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, देखो ध्यान से, ध्यान सुनो। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, बहुत समय तक साइंटिस्ट ऐसा सोचते रहे कि आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बच्चों तुमको पता है, सबसे पहले लोगों को ये लगता रहा कि आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ठीक है। और ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस दी किसने है? इट इज गिवन बाय, ठीक है, किसने दी है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये दी है आपके अलेक्जेंडर रिच और गिलबर्ट ने, ठीक है, रिच एंड गिलबर्ट लिख देती हूँ, रिच एंड गिलबर्ट ने, ठीक है, रिच एंड गिलबर्ट ने। तुम किसको जेनेटिक मटेरियल मानोगे? जो ज्यादा काम करेगा, ऑब्वियसली, ऐसे चलाओ भूषण भैया, ठीक है, जो भी ज्यादा काम करेगा उसी को तुम मानोगे ना कि सबका बाप है, है ना। तो लोगों को ये लगता रहा कि भैया आरएनए इतने काम करता है, पक्का यही जेनेटिक मटेरियल होगा। बाद में हमने देखो, हमेशा जो लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, हम उनको ये सोचते हैं कि वो सब काम कर लेता होगा, जैसे कि ये तुम भी ऐसा सोचते होगे, जिसको नीट देना है वो बहुत, मैम वो बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लेता है, मैम ये कर लेता है, मैम वो कर लेता है, नहीं। जो व्यक्ति स्टेबलाइज ज्यादा होगा, जिसका माइंड फोकस ज्यादा रहेगा, वो कम भी क्वेश्चन करेगा बेटा तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। पर लोगों के साथ पहले ऐसा नहीं था, लोगों को ऐसा लगता था कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आरएनए क्या है बच्चों? पहला जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो लोगों को यह लगता था कि जो आरएनए है वो है जेनेटिक मटेरियल, समझे नहीं समझे? तो लोगों को यह लगता था कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, एम आई क्लियर? लोगों को ऐसा लगता था, पर ऐसा है क्या? वो तो आज हमें पता चला ना, क्यों? क्यों मैम, क्यों? क्योंकि आरएनए से, देखो आरएनए के डिफरेंट टाइप होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, आरएनए के डिफरेंट टाइप होते हैं। तो आरएनए का एक टाइप है टीआरएनए, आरएनए का एक टाइप है आरआरएनए, आरएनए का एक टाइप है एमआरएनए, ठीक है। अब आरएनए जो होता है, जो आरआरएनए होता है बेटा, इट फॉर्म्स द राइबोसोम, ठीक है, तुमको पता है ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स राइबोसोम। सोचो, एक ऐसा आरएनए जो एक सेल ऑर्गेनेल बना दे, एक ऐसा आरएनए जो सेल ऑर्गेनेल बना देता है। भैया डीएनए से तो हमने नहीं सुना कि आज तक तो तुम कोई सेल ऑर्गेनेल बना सकते हो, पर आरएनए से तुम सेल ऑर्गेनेल बना सकते हो, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, ओके नेक्स्ट इज आरएनए जो है वो एक्ट एज एंजाइम। बताओ जल्दी से, आरएनए एक्ट एज एंजाइम, आरएनए एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, आरएनए एक्ट एज एंजाइम। दूसरी बात, एक बात तुम ध्यान से सुनना, ये जो आरएनए होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, जैसे कि एटीपी, सोचो, जैसे कि एफएडीएच, जैसे कि एनएडीएच, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये आरएनए के द्वारा ही बने होते हैं। आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, कैटालिटिक यानी कि रिएक्शन स्टार्ट करेगा, पर इनके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ये अपने अंदर ही कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेंगे, ये दूसरों को नहीं प्रभावित करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारे काम, यस यस यस, ठीक है ठीक है। अब ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता था, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या थी? बहुत ज्यादा हाई थी। रिएक्टिविटी क्या थी? बहुत ज्यादा हाई थी। जैसे रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई, अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। ये सारी जो अनस्टेबल को छोड़ दिया लोगों ने, पर ये सारी प्रॉपर्टी की वजह से लोगों को ये लगा कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। पर क्या है?
पर क्या है बच्चों, तुम मुझे बताओ, नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये जो एक प्रॉपर्टी है ना, अनस्टेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर भारी है, क्योंकि आप बात किसी लौकी, कद्दू या आलू की नहीं कर रहे, आप एक जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल को, बायो मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल मान लिया जिसके अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो क्या आप श्योर हैं कि जब नेक्स्ट जनरेशन में वो जाएगा तो स्टेबली पास होगा? और मैंने आपको क्या मेंडल में पढ़ाया था, मेंडल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जीन स्टेबली पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज जीन्स हैविंग द डीएनए, इफ द आरएनए हैविंग, तो पता चला जाते जाते ही वो बदल जाता, तो ये हम नहीं कर सकते हैं बच्चों, समझ में आई बात? तो इन सब से हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अगर हमने डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बना है, तो आप एक सेंटेंस तो हमेशा ही मानोगे कि डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम, डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, ठीक है, डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। और वैसे भी देखा जाए ना, तो डीएनए से पहले आरएनए की ही खोज हुई थी, ठीक है। चलिए बच्चों, डन, ठीक है, चलो चलो। अरे तुम लोगों का अलग ही चल रहा है, राइबोसोम जो है तो हेल्प्स इन द ट्रांसलेशन, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ बेटा, अब अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, दैट इज द सेंट्रल डोगमा। यहीं पे लिख लें क्या? यस, यहीं पे लिख लेते हैं। आ जाओ बेटा, सेंट्रल डोगमा, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस सब खत्म हो चुका है, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, ओहो हो, ठीक है। सेंट्रल डोगमा को दिया था, गिवन बाय क्रिक, ठीक है, किसने दिया था? गिवन बाय क्रिक, सेंट्रल डोगमा गिवन बाय क्रिक, मेरे लल्ला, किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? ठीक है, डीएनए आरएनए का बेबी है, वेरी गुड, तुम लोग जैसे मेरे इतने सारे बेबीज हो ना वैसे, ठीक है, चलो आ जाओ। सेंट्रल डोगमा गिवन बाय क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने, क्रिक, देखो सुनना ना, देखो तो डीएनए, डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। अब मेरे बोर्ड को ना आजकल बहुत चंडाली चढ़ती, पागल हो जाता है। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, ये हमको पता है, है ना। डीएनए सिंगल स्टैंड हो सकता है अपने आप ही, हम नहीं बोले जाते चलो मेरे बेटे डीएनए चलो हाफ स्टैंडर्ड हो जाओ, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाओ, नो। डीएनए जो होता है वो ऑटो कैटालिटिक होता है, ठीक है। डीएनए कैसा होता है बच्चों? डीएनए इज ऑटो कैटल, क्या समस्या है यार, डीएनए कैसा होता है? डीएनए इज द ऑटो कैटालिटिक। डीएनए कैसा होता है बच्चों? डीएनए होता है ऑटो कैटालिटिक। ऑटो कैटालिटिक का मतलब यह है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इनको कोई नहीं बोलने जाता और ये अपने आप ही सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। पर अगर सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते तो डीएनए बड़ा भाई, डीएनए छोटा भाई बन जाता, पर ऐसा नहीं होता। डीएनए जब सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो वो डीएनए ना बन के एक और चीज बन जाता है जिसे हम कहते हैं आरएनए, जो हम क्या कहते हैं आरएनए। तूने जो है तो जब दो भाइयों को हमने अलग किया तो दो भाई बने ही नहीं, दो भाइयों के अलग अलग रूप नहीं बने, ये कुछ और ही चुड़ैल बन गई है, ठीक है, आरएनए। दिस इज कॉल्ड एज हेटरोकैटालिटिक। तो डीएनए आपका ऑटोकैटालिटिक तो है ही, नंबर वन। दूसरा ये क्या होता है बच्चों? हेटरोकैटालिटिक, इसका मतलब समझते हो? हेटरोकैटालिटिक का मतलब क्या होता है? हेटरोकैटालिटिक का मतलब यह है कि डीएनए से तुम डीएनए बना लेते, चलो हम मान जाते, पर डीएनए से तुम आरएनए बना दिए, तुमने ऐसा कैसे कैटालिसिस कर दिया भैया, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? हेटरोकैटालिटिक, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना देते, फिर आरएनए से हम क्या बना देते? प्रोटीन। फिर हम आरएनए से क्या बना देते? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की कहानी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हम क्या कहते हैं बेटा जी? ट्रांसक्रिप्शन, ये भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की कहानी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ये भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। पर कभी कभी ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है, कभी कभी ये आरएनए भी डीएनए बन सकता है, समझ में आई बात? इसको बताया था टैमिन एंड बाल्टीमोर ने, ठीक है। टैमिन, बाल्टी थी इनके पास, तो बाल्टी लेके जा रहे थे, उनको पता चला कि भाई आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। टैमिन एंड बाल्टीमोर ने बताया कि भैया जी ऐसा है कि हम आरएनए से भी डीएनए बना सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन फॉर्म द आरएनए फ्रॉम, वी कैन फॉर्म द डीएनए फ्रॉम द आरएनए, ठीक है, हम आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसीजर का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। भैया ट्रांसक्रिप्शन उल्टा कर दिया ना तुमने, ट्रांसक्रिप्शन था डीएनए से आरएनए, उल्टा ही चल रहे हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और ये एचआईवी में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किसमें होता है ये? पाया जाता है, ये पाया जाता है किसमें? एचआईवी में। किसमें पाया जाता है? एचआईवी में। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें चाहिए जो एंजाइम, उसका नाम है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए भी डीएनए बन सकता है। उल्टा हो गया कहानी, ठीक है। चलो हेट्रोक्रोमैटिन, ओके फाइन। ऑटो कैटालिटिक का मतलब यह है कि इनको कोई बोलने नहीं आता कि तुम डबल से सिंगल हो जाओ, तो अपने आप ही हो गए। इट इज ऑटो कैटालिटिक, अपने आप को खुद ही एक्टिवेट कैटलाइज कर लिया कि जो है डीएनए से आरएनए बनाएंगे। हेट्रोकैटालिटिक की डीएनए से अगर डीएनए बन जाता, भाई ये डीएनए है, एक सिंगल हो जाता तो डीएनए बोल देते इसको, डीएनए जो है डीएनए लाइट बोल देते, कुछ बोल देते, पर ऐसा नहीं हुआ, हम इसको अब आरएनए बोल रहे हैं। तो ये हेट्रोकैटालिटिक है क्योंकि आप कुछ और ही बना रहे हो डीएनए से, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज दिस, ठीक है। आ जाओ बेटा, दैट इज इट, सेंट्रल डोगमा खत्म। चलो 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 आओ नेक्स्ट इज। अब हम शुरू कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। चलो बेटा आओ, डीएनए रेप्लिकेशन आराम से समझना, ठीक है, बिल्कुल चिल मार के समझना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा जो कोई गुंडा कान हिला रहा है तो फिर वो क्लास से निकल जाए बाहर। हाँ जी हाँ जी, ओके। डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। लाइक करो सेशन को फटाफट से, लाइक करो बेटा, लाइक करो सेशन को फटाफट से। कैसा लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है। आओ डीएनए रेप्लिकेशन समझते हैं, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि जब आप अपने डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ठीक है, जब आप अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेम जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों आज मेरे स्टूडियो में मच्छर काट रहे हैं। अगर आपने इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अलग कर लिया, ठीक है, अलग कर लिया, ठीक है, तो अभी आपने डीएनए डिवाइड किया और फिर आपने इसकी एक कॉपी बना दी, तो दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? रेप्लिकेट करना, व्हाट इज द मींस ऑफ रेप्लिकेट करना? जैसे शिप्रा मैम का वैक्स का पुतला बनाना है तो शिप्रा मैम को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा ही बना दोगे तो हम लोग कहेंगे ओ माय गॉड, इट इज तो लुकिंग लाइक द रेप्लिका ऑफ शिप्रा मैम। तो रेप्लिका का मतलब क्या होता है? रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। व्हाट इज द मींस ऑफ रेप्लिका बेटा? रेप्लिका का मतलब क्या होता है? रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। तो जब आप किसी चीज की कॉपी बना रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, और अगर आप डीएनए की कॉपी बना रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बोलिए जल्दी से। सो इफ वी आर मेकिंग द कॉपी ऑफ द पेरेंट स्ट्रेन, चलो मैं इसको एक बार तुमको और अच्छे से समझाती हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ मैं सारा चीज। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मान लो बेटा कि मेरे पास ये एक डीएनए है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए 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 डीएनए, ठीक है, ध्यान समझना। और ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है। तुमको नहीं लगता कि मैं बहुत एफर्टलेसली बहुत सारी चीजें पढ़ा देती हूँ, तुम्हें लगता? ठीक, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। अब हम ऐसे देख रहे हैं, दिस इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डन, ठीक है, समझे। अब ये दोनों अलग हो गए, ठीक है, अब ये दोनों, पहले हम एक जैसे थे, एक साथ ही थे, फिर ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो ये एक हो गया, ये दो हो गए, दोनों अलग हो गए, दोनों का तलाक हो गया मान लो, तो ये पति पत्नियों के बीच में तलाक हो गया, तो अब इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, ये भी टेम्पलेट डीएनए बेटा और ये भी टेम्पलेट डीएनए, समझे। दोनों अलग अलग हो गए, शादी हुई थी, भगवान माता पिता ने बहुत दहेज दे के दोनों की शादी करवाई थी A1 और 2 की, पर दोनों नहीं रह पाए साइज, ठीक है, और दोनों की तलाक हो गई। अब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, अभी टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या करता है? ये ढूंढता रहता है, ठीक है, और धीरे से ये अपनी कॉपी बना लेगा टेम्पलेट। तो जब ये अपनी कॉपी बना ले, ये इधर बना ले और ये इधर बना ले, सेम कॉपी, मतलब जस्ट इसी के जैसी, तो दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये लड़की ने अपनी जो है तो बॉयफ्रेंड बना लिया लड़के ने, और लड़की ने अपना, लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, या शादी कर ली दोनों ने। तो अब क्या देख रहे हैं आप? पहले डीएनए एक साथ था, फिर डीएनए को हमने अलग किया, अलग किया तो वो दोनों मैंने क्या बोला था, डीएनए इज वेरी स्टेबल, ठीक है, डीएनए जल्दी 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 ढूंढता है कि कहां उसका जो है तो पार्ट मिलेगा। बहुत देर तक वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रह सकता, बिकॉज डीएनए इज नॉट अनस्टेबल, ओके, डीएनए इज वेरी स्टेबल। वो ढूंढता रहता कहां है, कहां हो तुम, कहां हो तुम, आ जाओ मेरे पास, लिपट जाओ जल्दी से और हम फिर से बन जाएंगे डबल स्टैंडर्ड। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड। और डॉटर स्ट्रैंड को आपने क्या किया है? रेप्लिकेट।
डॉटर स्टैंड को आप क्या किया है, आपने रेप्लिकेट. एम आई क्लियर टू एवरीवन? रेप्लिकेट किसका रेप्लिका बनाया है आपने? टेम्पलेट डीएनए का. एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. एम आई क्लियर? यस ओर नो? ठीक है. यस मैम, बस आप आओ, अपना नाम भी बता दोगे तो हमारा नीट क्लियर हो जाएगा. बेशरम चलो आओ. ठीक है चलो. तो मैंने क्या लिखना है इसको, रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड DHTER डॉटर स्ट्रैंड by parent strand called as DNA replication. अब replication को मैंने ऐसा लिखा है, कोई नहीं बोलेगा ये क्या है. नहीं तो फिर तुम Instagram में क्या story लगा देते हो, hey my god ma'am की writing समझ में नहीं आती है, ये मत करना. okay चलो बेटा clear. ठीक है आ जाओ. अरे रुक जाओ यार, मिसअल्सन एंड स्टाल बिल्कुल पार जाते हो, है ना. अब देखो सुनना मेरी बात. जब हमने डीएनए को अलग किया, सुनना बेटा, जब हमने डीएनए को अलग किया तो आपने क्या देखा, चाहती तो मैंने यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड को भी ब्लू बना देती, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये कभी भी एग्जैक्टली पेरेंट के जैसे बन ही नहीं सकती. दुनिया में कोई भी प्रोसीजर एक्यूरेट नहीं होता, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है बच्चों. यू ऑलरेडी रेड इट कि आप दुनिया में कोई भी प्रोसीजर जो होता है क्या वो एक्यूरेट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो आप कभी भी यू नेवर कंजर्व. ठीक है देखो यहां पे लिख रही हूं, यू नेवर कंजर्व द वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड आफ्टर रेप्लिकेशन. ठीक है, आप कभी भी कंजर्व नहीं कर सकते एक पेरेंट स्ट्रैंड को, एक हमेशा ही नया बनेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड. ठीक है, दिस इज द सेमी कंजर्वेशन नहीं, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड. तो डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है बिकॉज आप हमेशा एक तो पेरेंट स्ट्रैंड ही लेते हैं, पर जो दूसरा नया बनाते हैं वो कभी भी पेरेंट जैसा हो ही नहीं सकता. दिस इज कॉल्ड एज यू नेवर कंजर्व द, ये पेरेंट स्ट्रैंड दूर चला गया. अब इसको बचा नहीं पाए, मैंने तलाक तो ले लिया पर वो मुझे वापस मिला ही नहीं. क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो दूर जा चुका है, वो कुछ कोई और ढूंढ चुका अपना पार्टनर. तो यू नेवर कंजर्व वन पेरेंट आफ्टर द रेप्लिकेशन, वो हमेशा किसी और के साथ पेयरिंग करेगा. सो द डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड बिकॉज यू नेवर कंजर्व बोथ ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड. आपको एक ही कंजर्व कर पाओगे और एक हमेशा नया बनाओगे. तो यहां पे लिख देती हूं मैं, वन इज ओल्ड एंड वन इज न्यू. ठीक है, तो ये वही बात है, पुराने ट्रैक्टर पे न्यू ट्रॉली. ठीक है बोलो जल्दी से, पुराने ट्रैक्टर पे क्या हो गई है? न्यू ट्रॉली. यस जी. ठीक है, इट इज द पुराने ट्रैक्टर पे न्यू ट्रॉली हो चुकी है. ठीक है, तो डीएनए इज द डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड. ठीक है चलो आ जाओ. अब ये किसने बताया, किसने हमने हमको बताया, बट हु प्रूव्ड दैट द डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड. अब इसके लिए अलग अलग समय पर दो साइंटिस्ट आए. ठीक है, एक साइंटिस्ट है टाइलर और दूसरे हैं मिसअल्सन एंड स्टाल. मैं बिना किसी देरी के मिसअल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट शुरू करती हूं ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए. मिसअल्सन ठीक है स्पेलिंग देख लेना यार. मिसअल्सन यार कुछ बताओ, ट्रिक बताओ कैसे अच्छा लिखूं मैं. मिसअल्सन एंड स्टाहल. ठीक है, मिसअल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट. और जो बच्चे हो जू. मिसअल्सन एंड स्टाहल ने बहुत समझदारी से काम किया है और हर बार नीट में ये सवाल आता है और इवन इस बार भी आया था. इसलिए कल जब मैं डीएनए एप्लीकेशन शुरू करूंगी तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगी सवाल करवाने से, और अगर नहीं बना तो कल तुम्हारी चटनी बनाना तय है मेरा. चलो ठीक है मैम, आप खतरनाक एग्जाम्पल देते हो. तुम्हें आज पता चला है. चलो आओ, तो पुराने ट्रैक्टर पे नई ट्रॉली हुई है सेमी कंजर्वेटर को, ऐसे याद रखना, पुराने ट्रैक्टर पे नई ट्रॉली. ठीक है चलो आओ. ई कोलाई, यस बच्चों, हाँ जी क्लियर.
ठीक है, देखो इन्होंने वर्क किया है, ध्यान सुना, इन्होंने वर्क किया है वर्क ऑन ई कोलाई, ठीक है, इन्होंने वर्क किया है ई कोलाई पे। ये ई कोलाई में एक्चुअली बताना चाहते हैं कि इसका, देखो हम लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल एक जैसा ही होता है, तो बहुत ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। तो इन्होंने वर्क किया है ई कोलाई पे, ठीक है, और इन्होंने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ई कोलाई को अलग अलग नाइट्रोजन के मीडियम पे ग्रो किया है, ठीक है। तो ई कोलाई को काम किया और ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया है, ग्रोन ऑन टू नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। ई कोलाई को इन्होंने काम किया है टू नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम, इन्होंने दो नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम पे काम किया, ठीक है। दो नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम कौन से हैं प्यारे बच्चों, दो नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम है, एक है N15 और एक है N14, ठीक है, N14, ठीक है। तो N15 को हम क्या कहते हैं, हैवी नाइट्रोजन वाला मीडियम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों जी, हैवी नाइट्रोजन वाला मीडियम, हैवी नाइट्रोजन मीडियम, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, लाइट नाइट्रोजन वाला मीडियम, लाइट नाइट्रोजन वाला मीडियम, नाइट्रोजन मीडियम, ठीक है, मीडियम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो इन्होंने नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम पे इकोलाई को उगाया और अब ये देखना चाहते हैं कि भैया डीएनए में क्या दिखाई दे रहा है। हाँ जी, क्या हुआ यार, तुम लोग भाग क्यों जाते हो पढ़ते पढ़ते, तुम लोग को चंडाली चढ़ जाती है क्या यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आओ बच्चो, चलो, ठीक है, चलो आओ। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया, ठीक है, इधर देखो मैं प्लेट बना रही हूं पहले, सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई, पहले मैं, चलो ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया, ये मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है और इस मीडियम में क्या पाया जा रहा है, N15, ठीक है, N15, ठीक है, ये कैसा है आपका, हैवी नाइट्रोजन, और इसमें हमारे ई कोलाई ग्रो हुए, ठीक है, इसमें हमारे क्या ग्रो हुए, ई कोलाई ग्रो हुए। ई कोलाई कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा ई कोलाई क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने ई कोलाई निकाला तो इसमें हमने देखा कि इनका जो डीएनए था, ठीक है, इनका जो डीएनए था वो पूरा हैवी नाइट्रोजन वाला हो गया। तो डीएनए कैसा हो गया, हैवी, डीएनए में क्या आ गया होगा, हम ऐसा मान रहे हैं कि डीएनए के पास क्या आ गया होगा, N15, है ना, डीएनए के पास आ गया होगा हम N15। डीएनए तुम क्या वो हो, सुरमा हो, तुमको डीएनए दिखेगा नेकेड आई से, नहीं दिखेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी प्रोसीजर के लिए कि डीएनए जो है वो उसके पास N15 आया है नहीं आया है, हमें करना पड़ेगा ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, हमें करना पड़ेगा ग्रेडियंट। What we have to do, हम जानना चाहते हैं कि इसके पास, इसके डीएनए के पास N15 आया या नहीं आया, तो हमें इस पूरी कॉलोनी को निकालना पड़ेगा और हमें इस कॉलोनी को जो है यहां पर इस पूरी कॉलोनी को डाल लीजिए आप, ठीक है, डाल लीजिए, ये डाल लिया और यहां पर आप करेंगे ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक मशीन होती है जो एक मिनट में किसी भी चीज को 13, 14, 15, 20,000 बार घुमा सकती है। तो इस जैसी घूमेगा ना तो सब इकोलाई का सब अलग अलग हो जाएगा, डीएनए अलग, प्रोटीन अलग, सब अलग, ठीक है। ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पर किसका ग्रेडियंट है, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट अलग अलग होता है, जैसे कि उसमें अलग अलग ग्रेडियंट बने होते हैं, अगर हैवी वाला है तो यहां रुकेगा, बीच वाला है तो यहां रुकेगा और लाइट वाला है तो यहां रुकेगा, तो ग्रेडियंट हमने बना रखे हैं उसमें, ठीक है। अब मैंने एक ट्यूब, ठीक है, मैंने ये ट्यूब ली, ठीक है, मेरा ये जो ट्यूब है सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट, अगर आपके पास N15 है, मतलब हैवी वाला है, अब हैवी वाला होगा बेटा तो कहां रुकेगा, अगर डीएनए के पास N15 आ गया होगा, इफ द डीएनए हैविंग द N15, तो डीएनए भारी हो गया, अब डीएनए भारी हो गया तो वो कहां रुकेगा बच्चों, बताओ जल्दी से, नीचे आके, ठीक है। तो अगर सबसे नीचे आके रुका ट्यूब में, अगर सबसे नीचे आके ट्यूब में रुका तो इसका मतलब यह है कि N15 उसके डीएनए में आ चुका है, समझे नहीं समझे बोलो, तो हमारा डीएनए जो है वो N15 वाला हो चुका है, am I clear? Yes or no? ठीक है, और इसे हम कहते हैं हैवी डीएनए, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं हैवी डीएनए। पहला एक्सपेरिमेंट ये हुआ, चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहे हैं, चलो 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 आओ, सबको समझ में आया ना, सबको बढ़िया से समझ में आया ना क्या हुआ, हैवी डीएनए में क्या किया आपने, यस यस, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, कितना फास्ट पढ़ा रही है। डीएनए होता है इकोलाई में, ठीक है, सारा इकोलाई निकालो, एक ट्यूब में डाल दो, ठीक है, अगर इसके मीडियम में, सुनो जिसको नहीं समझ में आ रहा कौन बोल रहा है, बहुत फास्ट पढ़ा रही है मैम, चलो चलो हाँ जी, ए, ठीक है, चलो मेरे ए, सुनो, देखो बेटा ध्यान से सुना है, जैसे
हमने जो है प्लेट पेट्री प्लेट पे ई कोलाई उगाया, उस पेट्री प्लेट में हमने जब मीडियम डाला तो हमने हैवी नाइट्रोजन डाल दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी, इंडिया वांटेड टू सी कि क्या डीएनए के अंदर N15 घुसा या नहीं घुसा। ठीक है, तो बेसिकली घुसेगा ही, ठीक है, और डीएनए भारी हो जाएगा। डीएनए भारी हो जाएगा तो हम उसके लिए ग्रेडियंट ट्यूब इस्तेमाल करते ताकि पता तो चले। अगर हैवी वाला होगा तो ग्रेडियंट हमको बता देगा कि भैया नीचे। ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? ग्रेडियंट डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि हैवी वाले नीचे जाए और लाइट वाले ऊपर आए। ठीक है, तो ये सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट है, ज़्यादा इसमें अकल लगानी नहीं है। भारी वाला नीचे आ गया, क्लियर है? हाँ या नहीं, बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चलो। अच्छा, जोहैन हो, जोहैन बेटा, है ना, क्लियर है? चलो चलो, अब देखो ध्यान से। ठीक, अब हमने ध्यान से सुनना, ठीक है, अब हमने इस वाले इकोलाई को जिसके पास N15 डीएनए था, इसको अब हमने उगाया N14 वाले मीडियम में। इस वाले इकोलाई को हमने N14 वाले मीडियम में उगाया, N14 वाले मीडियम में, पहले N15 में उगाया था, अब हम N14 में उगाना चाहते हैं। ठीक है, N14 में। अब बेटा ये इकोलाई डिवाइड हो गया होगा ना, बोलो। अब ये इकोलाई डिवाइड हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, बोलो जल्दी से। इकोलाई डिवाइड हो गया होगा कि नहीं होगा? जी मैम, बिल्कुल डिवाइड हो गया होगा। अब देखो, जब इकोलाई का डीएनए डिवाइड हुआ होगा तो एक ये आधा आ गया, ये आधा आ गया। ठीक है, अब ये पेरेंट स्ट्रैंड है तो इनका जो है तो पुराना ट्रैक्टर है, पर ट्रॉली क्या बनेगी? एकदम नई ट्रॉली क्या बनेगी? एकदम नई। ये देखो, और ये कितने मिनट बात करना है आपको? 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट। ठीक है, समझो। अब ये जो पीला वाला स्ट्रैंड है, ये क्या दिखा रहा है कि इसके पास N14 डीएनए है। जो पीला वाला डीएनए है वो बता रहा है N15 है, और ग्रीन वाला क्या बता रहा है? N14 है। पर हम कैसे देखेंगे? भैया ग्रेडियंट लगाओ, ट्यूब बनाओ। ट्यूब में हमने देखा कि ये डीएनए जो है, ना तो ये बहुत हैवी था क्योंकि इसके पास हैवी चेन भी थी, और ना तो ये बहुत लाइट था, तो इसका जो बैंड बना बच्चों, वो बिल्कुल बीच में बना। ठीक है, और इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट डीएनए। ठीक है, इट इज द इंटरमीडिएट डीएनए। क्यों इसको कहा इंटरमीडिएट डीएनए? क्योंकि इसके पास आधा हैवी है और आधा लाइट है। बोलिए, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोले बोले बोलो। एंड दिस इज द जनरेशन वन। सबसे पहली जनरेशन में कहानी चेंज हो चुकी है भैया। जनरेशन वन, दिस इज द जनरेशन वन। 20 मिनट्स के बाद हमें ये मिला। अब हम इसको, अब इसी इकोलाई को हम 40 मिनट्स के बाद फिर किस पे उगाए? चलो चलो, आफ्टर, यस बच्चों, यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद हमने फिर से इस इकोलाई को जो इंटरमीडिएट वाला था, फिर से इसको N14 में डाला। N14 में ही डालना है, N14 में। ठीक है, अब देखो, ये जो इकोलाई है जिसके पास इंटरमीडिएट वाला डीएनए है, लिसन, ये जो इकोलाई है जिसके पास कैसा डीएनए है बेटा? इंटरमीडिएट। देखो, तुम्हारी ना एनसीईआरटी में इतना प्यारा डायग्राम नहीं बनाया होगा, पर हम तुम्हें बना के दिखा रहे हैं जिसके पास इंटरमीडिएट वाला डीएनए है, समझना। अब क्या हुआ होगा? देखो, क्या हुआ होगा? बोलो जल्दी से, क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा कि भाई ये सेपरेट हुआ होगा मैम, और ग्रीन वाला भी सेपरेट हो गया होगा मैम। ठीक है, बोलो, ग्रीन वाला भी सेपरेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हाँ जी, अरेप्पा, बोलो। ठीक है, अब देखो, ये इसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट बना लेगा। ठीक है, और यस यस, हाँ जी, समझे नहीं समझे? बोलो, समझे? ठीक है, चलो। अब यहां पर आपको, अब अपनी एनसीईआरटी को जरूर से, यू मस्ट फॉलो योर एनसीईआरटी, लिसन टू मी। देखो, पहले तुम जो घबराना मत, मैम ये क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, N15 पे तो आपको क्या मिला? बैंड हैवी पे मिला। फिर आपने इसको कहां ग्रो किया? N14 पे। तो बैंड कहां पे मिला आपको? कहाँ पे मिला आपको? मिला हाइब्रिड पे, मतलब बीच में। फिर आपने क्या किया? 40 मिनट्स के बाद आपने फिर से उसको N14 पे ग्रो किया। अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा बताओ जल्दी से? अब होगा ये, ध्यान से समझो। अब देखो, सेम चीज मैं तुमको बता रही हूं। अब होगा ये कि क्योंकि डीएनए पूरा N14 मीडियम में, तो इसका स्ट्रैंड कैसा बन जाएगा? ग्रीन वाला। तो ये पूरा क्या बन गया है? N14, और ये बन गया है N15 N14। ठीक है, ये क्या है? N15 N14। ठीक है, तो जब आप ग्रेडियंट लगाएंगे,
जब आप ग्रेडियंट लगाएंगे तो आपको दो बैंड दिखाई देंगे, ठीक है। एक बैंड आपको एकदम ऊपर लाइट दिखाई देगा, क्योंकि जो कि बैंड इसका है दैट इज N14 का बैंड, और एक बैंड आपको बीच में दिखाई देगा दैट इज N14 का बैंड। बोलो जल्दी से, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? आप क्या देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर आपको यहां दिखा था, आप अंत तक तो वो कैरेक्टर आपके पास प्योर आ ही नहीं रहा है, और हर बार जब आप डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं तो आपका एक पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो खत्म हो जा रहा है, उसकी जगह पे नई चीज सिंथेसाइज हो रही है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? मैम यहां पर आप पीला क्यों बनाई हो? क्योंकि मीडियम N14 है, तो जो भी नया डीएनए बनेगा वो हमेशा ग्रीन वाला बनेगा, जो भी नया डीएनए बनेगा उसके पास N14 होगा ही होगा, इसलिए मैंने यहां ये बनाया है, ठीक है। बोलो क्लियर? बोलो, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बताओ? इतना सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने। फिर से देखो, हमने मीडियम को, हमने इकोलाई को N15 में ग्रो किया, तो जो डीएनए मिला उसके अंदर N15 घुस गया, ठीक है। फिर हमने N15 वाले इकोलाई को ले गए और N14 में ग्रो किया, तो आधा N15 रहा और आधा N14 हो गया। फिर हमने फिर से उसको N14 पे ग्रो किया, तो क्या हुआ बताओ? फिर से वही बात है कि अगर आप N14 में ग्रो कर रहे हो तो नया वाला जो डीएनए बनेगा उसके पास N14 होगा ही होगा, तो हमारा नया डीएनए जो बना उसके पास N14 था, तो एक इंटरमीडिएट वाला एक लाइट वाला मिला, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर? हाँ या नहीं? बोलो मैम, एक बार और बता दूं, और किसको एक बार और बताना है जल्दी से बताओ, समझ आया या नहीं आया? हाइब्रिड डीएनए, ठीक है, दिस इज, यस वेरी गुड, दिस इज द हाइब्रिड डीएनए, वेरी गुड। ये क्या है आपका? हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। एक बार में समझो बेटा, इतनी बात तुम्हें कोई यूट्यूब में 10 बार नहीं समझाता है। चलो समझे, लाइट आपने हैवी में ग्रो किया, डीएनए हैवी मिला, आपने उसी वाले हैवी इकोलाई को यहां ग्रो किया, तो आपका क्या हुआ? डीएनए सेपरेट हुआ, क्योंकि आपका मीडियम N14 था, तो नया स्ट्रैंड हमेशा N14 वाला ही बनेगा, तो आपकी जो डेंसिटी थी वो बीच में आ गई, क्योंकि आधा हल्का आधा भारी। फिर आपने फिर से N14 पे ग्रो किया, तो नया स्ट्रैंड जो भी बनेगा वो N14 वाला ही बनेगा। अब हमारे पास एक पीला बना एक हरा बना, क्योंकि हम इसको ग्रो कर रहे, तो एक पीला स्ट्रैंड बना एक हरा स्ट्रैंड बना, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या बना? हरा ही बनेगा, क्योंकि आपका मीडियम क्या है? N14 है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, समझे? बोलो समझे या नहीं समझे? बोलो, मिजल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, क्या ये बात समझ में आई सबको? है ना, प्यार का भूत उतर गया हो तो बात अलग है, ठीक है। आइए आगे बात करती हूं, नेक्स्ट, यस, ठीक है। चलिए अब मैं इसी को, सेमी कंजर्वेटिव मेथड को, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा रही हूं। इसे टेलर ने भी दिया था, ठीक है। टेलर नाम के एक साइंटिस्ट, टेलर कपड़ा सिलने वाले नहीं, ठीक है, हाँ जी, तो टेलर नाम के साइंटिस्ट ने भी दिया था। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लिया एक रेडियो एक्टिव थाइमिन, ठीक है। इन्होंने क्या यूज किया? रेडियो एक्ट, पहले अपन ये बात करते कि काम किस पे कर रहे थे, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि काम किस पे कर रहे थे, है ना। देखो, इन्होंने पूरा डीएनए लेवल पे काम किया मिजल्सन एंड स्टाल ने, और इनका एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड है, और इनके एक्सपेरिमेंट से ऐसा कभी नहीं होता कि आपके नीट एग्जामिनेशन में सवाल ना आए, तो सवाल तो डेफिनेटली आना ही आना है। सो टेलर जो है, इन्होंने क्रोमोजोमल लेवल, इन्होंने क्रोमोजोमल लेवल पे काम किया, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुना वो थी इनकी विंका बीन्स, ठीक है, ओके। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उनका तो इकोलाई था, इनका क्या है? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। प्लीज, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, आप यही है, जी हाँ, यही है वो प्लेटफॉर्म जिसमें आप 10 बार पूछ सकते हैं, बाकी आप नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए आप पूछ लीजिए, ठीक है। मैडम, इससे कंक्लूजन क्या है? आपका कंक्लूजन इससे ये आया कि जो भी नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो हमेशा नया होता है, कभी भी पुराने की कॉपी हम नहीं करते, हर चीज नई होती है। तो आप देखो, अगर हमें यही वाला स्ट्रैंड अगर यही वाला होता तो ये वाला भी ऐसे ही मिल जाता, पर ऐसा नहीं हुआ ना। जैसे ही हमने पीले और हरे को अलग किया, तो पीले वाले की एक कॉपी हरी बन गई और हरे वाले की हरी ही बन गई। इसका मतलब यह कि ये बिल्कुल जो है, आप हमेशा एक स्ट्रैंड को बचा लेते हैं, पर हमेशा एक स्ट्रैंड नया ही बनता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है, ये कंक्लूजन। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो है विशिया बीन्स, ठीक है, विशिया बीन, इनको हम ब्रॉड बीन्स कहते हैं, विशिया बीन की रूट पे इन्होंने काम किया, विशिया बीन्स, ओके, क्रोमोसोमल लेवल पे, यस यस यस, विशिया बीन की रूट्स पे इन्होंने काम किया,
हाँ ओके विषिया भी इनकी ओके यस विषिया फाबा इसको कहते हैं, वेरी गुड, इसे हम विषिया फाबा भी कहते हैं, उनकी उसकी रूट पे काम किया। अब देखो क्या किया इन्होंने, इनका भी बहुत, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन यूज किया, ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन यूज किया, रेडियो एक्टिव थायमिन, उधर रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं की गई है मिसाइल शेल इंस्टॉल के द्वारा, ठीक है। बताओ इतना अच्छा डायग्राम सिंप्लीफाई करके तुम्हें बना के दिखाया मैंने, अब बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए, छत से कूद जाऊं, बोलो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो नॉर्मल आइसोटोप कैसा होना चाहिए, पर इनका जो था ये था ये, ठीक है, ट्रिटियम का यूज किया इन्होंने, ट्रिटियम क्यों यूज किया, ट्रिटियम का यूज इसलिए किया ताकि पता चले कि सही मेरा एप्लीकेशन होता है या हम लोग बेवकूफ बनाते हैं दूसरों को। आओ बेटा शुरू करें, ठीक है, चलो अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लेट ली और इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन यूज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन डाल दिया, रेडियो एक्टिविटी डाल दी, रेडियो एक्टिव थायमिन, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन डाल दिया। अब रेडियो एक्टिव थायमिन डीएनए में देखो, और यहाँ पर इन लोगों ने, इन्होंने सेल डाल दी किसकी, यहाँ पे विषिया फाबा की, ठीक है, फाबा बीन्स की सेल डाल दी। अब विषिया फाबा की जितने भी क्रोमोसोम थे वो सब कैसे हो गए बेटा, वो सब जो थे वो कैसे हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए, ठीक है। फिर जब थोड़ी जो है नेक्स्ट जनरेशन जब आई तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ होगा, बोलो डीएनए क्या हुआ होगा, अब हम यहां देखते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जब आई होगी तो नॉर्मली क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है आपका, ये रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा क्रोमोसोम कैसा है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव हो गया ना, ग्रो कर गया उस मीडियम में, तो रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम हो गया, बिकॉज वो रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो कर रहा है, रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम। अब ये जो रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जब दो सेल बनेंगी विषिया फाबा की, नेक्स्ट जनरेशन में जब क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, जब नेक्स्ट जनरेशन में नई सेल बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो, नेक्स्ट जनरेशन में जब नई सेल बनी विषिया फाबा की, दो सेल्स बनी, ये सब पेट्रीप्लेट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम तो वही वाला था, देखो एक क्रोमोसोम तो रेडियो एक्टिव वाला था, पर नेक्स्ट क्रोम, अच्छा नेक्स्ट जनरेशन को हम किसी भी, नेक्स्ट जनरेशन को हम किस में ग्रो करेंगे, ग्रो ऑन नॉर्मल मीडियम, इसमें आपको नहीं देना है कुछ भी रेडियो एक्टिव, नॉर्मल मीडियम को में ग्रो करेंगे। तो एक तो रेडियो एक्टिव ही रहा क्योंकि उसका पेरेंट स्ट्रेन है, पर दूसरा एकदम फ्रेश एंड न्यू रहा, दूसरा क्रोमोसोम का स्ट्रैंड बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू रहा, इसमें कोई रेडियो एक्टिव आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, नो रेडियो एक्टिविटी, जो क्या सिद्ध करता है, और एक स्ट्रैंड में आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, जो क्या प्रूव करता है, जो ये प्रूव करता है कि पेरेंट एक ही रहेगा, जबकि नया स्ट्रैंड जो नया बनेगा वो पेरेंट जैसा नहीं रहेगा, क्लियर है, समझे नहीं समझे। तो आपको क्या दिखा, ये दोनों क्रोमोसोम रेडियो एक्टिव थे, पर जैसे ही हमने इसको नॉर्मल मीडियम में लेके गए तो एक तो पेरेंट ही रहा रेडियो एक्टिव, पर जो नया क्रोमोसोम का स्ट्रैंड बना वो बिल्कुल फ्रेश था, उसमें रेडियो एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दी, ठीक है। ठीक है फिर से समझाती हूँ, देखो फिर से समझाती हूँ, देखना ना फिर से समझाती हूँ, देखो बिल्कुल टेंशन मत लो, आओ फिर से समझाती हूँ, देखो अरे टेंशन नहीं लो, बता रहे, देखो विषिया पहले पेट्री प्लेट लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आराम से समझो। देखो क्या हुआ, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे ही खज्जल करता है दिमाग को। देखो इन्होंने क्या लिया, एक मीडियम लिया, मीडियम में क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव थायमिडिन डाल दिया, है ना। अब बेटा इसके अंदर जो भी सेल ग्रो होगी उसका क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा बताओ, उसका क्रोमोसोम रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी मैम हो जाएगा, रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम वाली सेल्स हो गई, ठीक है। अब देखो इसको, अब आप इन्हीं सेल्स को जो है, जब इन्हीं सेल्स को आप नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करोगी तो इनके लिए नॉर्मल मीडियम लेना, जो है तो नॉर्मल मीडियम लेना, मतलब इसमें रेडियो एक्टिविटी मत डालना, ठीक है, नो रेडियो एक्टिविटी। अब देखो जब ये सेल डिवाइड होगी, अब मैं इसको ये सेल है ना यहाँ पे, अब इसका मैं बाहर डिविजन तुम्हें दिखा रही थी, तुम जो है दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। अब यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट जनरेशन में जब इसको मीडियम मिलेगा तो सेल डिवाइड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो बेटा जब सेल डिवाइड होगी तो उसके क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे, तो एक से हमने कितनी सेल बनाई, दो,
टू, ये सब मीडियम इसी के मीडियम के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि एक जो स्ट्रैंड है, देखो एक स्ट्रैंड यहाँ चला गया, एक क्रोमैटिड यहाँ चला गया, और इसका जो नया क्रोमैटिड बना, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल मीडियम था, कैसा मीडियम है बेटा, नॉर्मल मीडियम है, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, तो यहां पर जो दूसरा क्रोमैटिड बना उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं शो हो रही है, यहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है। अगर आपको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो नया स्ट्रैंड है वो पेरेंट से बिल्कुल फ्रेश है, मतलब पेरेंट के जैसा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पेरेंट तो रेडियो एक्टिव है, पेरेंट तो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि आप हमेशा डीएनए का एक स्ट्रैंड तो बचा लेते हैं पर दूसरा आप कंजर्व नहीं कर पाते। दैट इज वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए बोलो जल्दी, समझ में आया? अब बोलो समझ में आया? तो आप क्या समझ रहे हैं, हमेशा येलो वाला एक बचा और एक नया बन गया। सो दिस शोज दैट द डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब आया समझ? हर चीज को दो बार समझने की तुम्हारी आदत हो गई है, इसे सुधारो, है ना। हर चीज को जब तक दो बार नहीं समझाती हूं तुम्हें समझ में नहीं आता, तो इसे सुधारो बेटा, एक बार में समझा करो, है ना। अब बताओ भैया कौन मुंह चला रहा था? नीलम देवी, ठीक है। आप यहां पर ये सब करती हो, हां जी। यतेंद्र क्या है भैया, बताओ आप जल्दी बताएं, ठीक है। चलो आ गया है ये वाला मेथड, सबको समझ में आया आपका टेलर वाला। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैंने अलग से नहीं बताया कि आपको लग रहा है कि मैम कुछ एक्स्ट्रा बता रही है। मैंने तुम्हारे लिए प्रॉपरली एक चीज बताई, एक डायग्राम बना के बताया, उसके बाद भी तुम्हें 10 से 15 बार समझनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। और दूसरी बात, जो लोग भी चैट में जो है फालतू की बकवासें करते हैं उन पर ध्यान मत दिया करो तुम, तो मैं ये कहती हूँ कि तुम मोबाइल ही उधर रख दिया करो, तुम सिर्फ देखा करो मैं क्या पढ़ा रही, मोबाइल उधर। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो भाड़ में गया मोबाइल, जब मेरा कंसेप्ट खत्म हो जाता है तब मैं पूछती हूँ आया नहीं आया, मोबाइल उधर रख दिया करो अपना पढ़ा करो, जब नहीं आया करो बोल दिया करो रेज हैंड करके कि नहीं आया। बेटा आज अपन इतना ही कर ले, नेक्स्ट क्लास में अपन डीएनए एप्लीकेशन करते, नहीं तो तुम्हारा दिमाग आउट हो जाएगा, फट जाओगे तुम दिमाग से। तो आज हमने सीखा डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है, आपने सीखा सेंट्रल डोगमा, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, एंड डीएनए के पास सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। दो एक्सपेरिमेंट आपने सीखे, मिजल्स एंड स्टाल एंड टेलर। बोलो अब मैं तुम्हारा एक आध क्वेश्चन करा दूं, वो बुक कहाँ है भूषण, एक क्वेश्चन कराऊं क्या तुम लोगों को इसके, तो और समझ में आ जाएगा। ये आप ही 10 बार रिपीट, ये जो आदत सुधारो बेटा, ये गलत आदत है आप लोगों की कि आप लोग एक ही चीज को 10 बार रिपीट मत करवाया करो। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल, उनको कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा आए नहीं आए, पढ़े नहीं पढ़े, हैं। क्वेश्चन करा दूं, बोलो क्या कहना है तुम्हारा। टेलर वाला रिपीट, अरे मार गए हमने जब वो फावा बीन्स की सेल को रेडियो एक्टिव थायमिन में उगाया तो उसका क्रोमोसोम रेडियो एक्टिव हो गया। फिर हमने इन सेल्स को नॉर्मल मीडियम में डाला जिसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, सेल डिवाइड होगी तो हमने देखा कि जो क्रोमोसोम आए उसका एक क्रोमैटिड तो रेडियो एक्टिव था पर दूसरा नहीं था, दूसरा नया था, जो ये बताता है कि जब हम डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम ही तो है डीएनए, तो जब हम डीएनए डिवाइड करते हैं तो एक तो पेरेंट जैसा ही रहता है पर एक हमेशा नया बनता है। समझ में आई बात? और हम कैसे जाने कि नया बनता है, क्योंकि नए वाले में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, अगर होती तो हम ये मान जाते कि सेमी कंजर्वेटर नहीं है, तो बिल्कुल दोनों ही स्ट्रैंड बचते हैं, एक नया बनता है एक पुराना बनता है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं कराऊंगी तुम लोगों को, तुम लोग क्या है कि बिल्कुल ज्यादा मेरे मूड पे ही चढ़े जा रहे हो, है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तुम लोगों का जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड स्टडी बिल्कुल खत्म हो चुका है, और फिर जो है मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। चलो आओ क्वेश्चन करो, आओ एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसके बाद जो है कल और कराऊंगी, मैं देख रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कराना है तुम्हें। चलो मिजेलसन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट कब दिया था, चलो बोलते जाओ, 1958 में। डीएनए रेप्लिकेशन कल कराएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन कम कराऊंगी, कल कराऊंगी, कल 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 1958 में, ठीक है। चलो लाइक करो नहीं करो बस पढ़ लो, बस इतना काम कर दो, है ना, बाकी तो ठीक है। हाँ जी
चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।